दिनों देश में लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है। ऐसे में बड़े बड़े लोगों का राजनीति में एंट्री लेना लगभग आम बात हो गई है। ऐसे में मौजूदा राजनीति में एंट्री को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान अब सामने आ गया है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उनकी अभी राजनीति में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये भी साफ किया उन्होंने कि इससे उन्हें कोई गुरेज भी नहीं है। उनका कहना है कि जब लोगों को लगेगा कि मुझे राजनीति में आ जाना चाहिए तो मैं पूरी ताकत के साथ उतरूंगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं लोगों के बीच हूं और कड़ी मेहनत कर रहा हूं। जिस दिन मौजूदा राजनीति में मैं आ जाऊंगा तो पूरी ताकत और तैयारी के साथ उतर जाऊंगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने रविवार को कहा था कि वो कांग्रेस परिवार का हिस्सा हैं और अगर वो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो उनका कोई भी विरोध नहीं करेगा। पिछले सप्ताह ही रॉबर्ट वाड्रा अपने दोनों बच्चों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन से पहले रोड शो में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में आने के बाद अब उनके पति भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बीते कुछ समय में रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर लगातार हमला कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय राजनीति में आई हैं और जिस तरह से उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का रिस्पांस मिला, ये देख कहना गलत नहीं होगा कि रॉबर्ट वाड्रा को भी कुछ उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। SBNI न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।